जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला क्लास और पहला चैप्टर जो है वो क्या है, विलेय, जो कि यूपी बोर्ड में क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम बताएंगे, अर्थात जो यूपी बोर्ड में जो आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो जो पहला है वो क्या है, मोलरता है। मोलरता अर्थात मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, आइए देखते हैं इसको। जैसे आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये मान लेते हैं कि कोई एक पात्र ले लेते हैं, ये कोई पात्र है, इस पात्र में हम क्या कर लेते हैं, कोई विलयन ले लेते हैं। इसमें हम कोई विलयन ले लिए और विलयन की जो क्वांटिटी यानी आयतन कितना होगा, यानी विलयन का जो आयतन होगा क्वांटिटी भी इक्वल टू मान लेते हैं उसको क्या, एक लीटर। अर्थात जो विलयन की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, एक लीटर। अर्थात मोलरता का जो होता है तो इसमें हमने क्या किया, एक पात्र लिया है और पात्र में क्या किए हैं, एक लीटर कोई विलयन ले लिए हैं। उस विलयन में क्या करेंगे, कोई पदार्थ ले आकर मिला देते हैं, पदार्थ ले आकर मिला देते हैं। यानी जो पदार्थ हम लोग मिलाते हैं, अर्थात किसी विलयन में कोई भी चीज ले आकर यानी कोई पदार्थ ले आकर मिलाते हैं, तो जो मिला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विलेय, विलेय। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, यानी पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अर्थात विलयन का आयतन कितना है, एक लीटर, और उसमें जो पदार्थ मिला रहे हैं उसकी मात्रा क्या है, एन है। तो इसकी परिभाषा हम लोग निकाल सकते हैं, अर्थात इसकी परिभाषा ऐसे निकलेगी कि किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो किसी एक लीटर विलयन में, किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ अर्थात विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कह देंगे, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अर्थात किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ, अर्थात पदार्थ क्या हम लोगों को माने हैं, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अर्थात इसका जो सूत्र निकलेगा उसको देख लेते हैं, ये मोलरता बराबर क्या हो जाएंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन हमने वहां पर क्या माने हैं, लीटर में, तो क्या होगा, लीटर में।
अर्थात मोल अर्थक बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या के बटे में विलयन का आयतन, अर्थात एम इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या को क्या माने हैं स्मॉल एम, और आयतन क्या है भी किसमें लीटर में। ये थी मोलरता का सूत्र। इसका इसको अगर लीटर से हम चेंज करना चाहें तो उसको एमएल में करेंगे तब क्या होगा, या एम इक्वल टू भी अपान के, अरे सॉरी एम अपान के भी किसमें एमएल में अगुड़े 1000। एक मोलरता का ये सूत्र हो जाता है। अगर ये लीटर में है तो यहाँ पर 1000 का गुणा नहीं करेंगे, अगर आयतन ml में दिया है तो उसमें क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे। यहाँ पर होता है कि मोलों की संख्या इस्तेमाल m इक्वल टू होता है ग्राम में मात्रा के बटे में अणु भार, अर्थात w अपॉन के m, यानी n के जगह पर हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं m इक्वल टू डब्लू अपान के एम अगुड़े भी किसमें लीटर में। एक फार्मूला ये भी हो सकता है मोलरता की, या अगर उसको एमएल में चेंज करना चाहें तो एम इक्वल टू एम के जगह पर डब्लू अपान के एम अगुड़े भी किसमें होगा एमएल में, भी एमएल में अगुड़े 1000। ये क्या है मोलरता के सूत्र है, अर्थात जो मोलरता है वो क्या है देख लीजिए एक बार फिर से कि किसी एक लीटर विलयन, यानी ये जो पात्र है इसमें विलयन क्या लिए हैं 1 लीटर, और उसमें क्या मिलाए हैं विलेय पदार्थ, अर्थात जो पदार्थ मिलाते हैं उसी को विलेय कहते हैं। तो किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ या विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहेंगे मोलरता कहते हैं। और मोलरता का जो फार्मूला होता है वह होता है विलेय के मोलों की संख्या के बटे में विलयन का आयतन। आयतन किस में लेंगे लीटर में। अगर देखिए इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, अर्थात m इक्वल टू n बाई वी किस में लीटर में, या m इक्वल टू n बाई वी क्या ml में। तो जब ml में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। यहां पर m जो होता है क्या है मोलों की संख्या क्या होती है वो होता है तो ग्राम में मात्रा के बटे में अणु भार, जिसको हमने क्या किया यहाँ पर चेंज कर दिया है n को w अपान के m अगुणे भी किसमें आयतन किसमें होगा यानी वॉल्यूम लीटर में, या m इक्वल टू w अपान के m गुणे भी ml में गुणे 1000। ये क्या थी मोलरता था। आइए इसके बाद देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे इस पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं उसको। तो आइए देखते हैं मोलरता से संबंधित प्रश्न, अर्थात 5.85 ग्राम NaCl किसमें घुला है 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की क्या निकालना है मोलरता, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है जो जिसकी मात्रा कितना दिया है 5.85 ग्राम किसमें घुला है तो 200 ml में, ये तो दिया है। तो ये देखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि ग्राम में मात्रा, यानी ग्राम में मात्रा दे दिया है, ग्राम में मात्रा जिसको किससे डिनोट किए हैं स्मॉल डब्ल्यू से कितना दिया है 5.85 ग्राम ये दिया है। आयतन दिया है भी इक्वल टू 200 ml। अब क्या नहीं पता है तो हमको NaCl यानी विलेय के मोलो ये जो है अणु भार क्या होंगे NaCl का अणु भार ये निकाल लिया जाए अर्थात m। तो सोडियम का जो होता है अणु भार वो होता है 23, और क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5, अर्थात इसको टोटल अगर कर दिया जाए तो 58.5,
अर्थात NaCl का जो अणु भार है वो कितना है, 58.5। क्या पूछा है तो मोलरता इक्वल टू वाट। तो आइए देखते हैं, फार्मूला हमको पता है क्या होता है कि स्मॉल डब्लू अपान के एम गुड़े घी किसमें ml में अगुड़े 1000। अर्थात W की वैल्यू कितना दिया है, 5.85 ग्राम। ये क्या है, अणु भार दिया है 58.5 और आयतन कितना दिया है 200 अगुड़े कितना 1000। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो ये कट गया, इसका ये कट गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं किसमें, 5.85 गुणे 10, यही क्या होंगे 58.5 गुणे 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये भी 58.5, ये हो जाएंगे ऊपर क्योंकि इसका 10 से गुणा करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 58.5 अगुड़े 2, ये हो गए इससे, और ये क्या हो गए कट गए, तो क्या आया 1/2। अर्थात मोलरता जो आया वो क्या है, 1/2 या 0.5। इसको कैपिटल M, अर्थात मोलरता से ये क्या थे, संबंधित प्रश्न थे जो क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे कि 5.85 ग्राम NaCl को किसमें घोल दिए हैं, 200 ml विलयन में, और विलयन की जो मोलरता ज्ञात करनी थी तो ग्राम में मात्रा क्या है, W कितना है 5.85 ग्राम। इसका आयतन दिया है, ml में दे दिया है, तो NaCl का जो अणु भार, तो सोडियम का जो अणु भार होता है वो होता है 23 और क्लोरीन का जो होता है 35.5 यानी 58.5। क्या पूछा था तो मोलरता, तो मोलरता का तो ये भी फार्मूला भी लिखवाए हैं, तो W 5.85, M कितना है 58.5, आयतन हमने दे दिया है और गुड़े 1000। यहाँ से दो जीरो, ये दो जीरो खत्म, अर्थात 5.85 गुड़े 10 जो कि हमने यहाँ पर क्या किया लिख दिया है, नीचे क्या था 58.5 गुड़े 2, इसको क्या किए हैं इसमें गुणा कर दिए हैं तो कितना हो गया 58.5, 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये क्या थे 58.5। ये दोनों सेम सेम थे, क्या हो गए कट गए, बचा क्या 2, ऊपर क्या था 1 यानी 1/2 यानी मोलरता इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। ये हम लोगों का क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ, ये क्या थे मोलरता से संबंधित प्रश्न थे। बाकी और इम्पोर्टेंट हम लेकर आते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।